भारत के उत्तर में स्थित हिमालय का एक पर्वतीय प्रदेश है उत्तराखंड। जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं जैव विविधता के लिए विख्यात है। इसे औषधि प्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुमूल्य औषधीय एवं सगंध प्रजातियों की प्रचुरता वाले इस राज्य में अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। उत्तराखंड राज्य में भूमंडलीय उपयोगिता वाली औषधीय प्रजातियों के साथ साथ पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाली पादप प्रजातियों की बाहुल्यता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औषधीय एवं सगंध पौधों के उत्पाद की मांग बढ़ने के कारण इन पर मानवीय दबाव बढ़ गया है। अत्यधिक अवैज्ञानिक व चोरी छिपे दोहन से कई बहुमूल्य प्रजातियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अतः इनके संरक्षण एवं सतत उपयोग पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक हो गया है। आजकल वर्ल्ड वाइड सभी लोग लगभग आयुर्वेदिक पद्धति की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड आयुर्वेदिक दवाइयों की बढ़ती जा रही है। इससे जो जंगलों में हमारे वनौषधियां हैं उन पर दबाव पड़ रहा है, उनका अत्यधिक विध्वन हो रहा है, चोरी से विध्वन हो रहा है, अविवेकपूर्ण विध्वन हो रहा है। राज्य में लगभग 65% भू क्षेत्र वनाच्छादित है, जहां औषधीय एवं सगंध प्रजातियां अपने प्राकृतिक वास में उगती हैं। जानकारी के अनुसार से राज्य में 700 औषधीय एवं सगंध प्रजातियां उपलब्ध हैं। उत्तराखंड सरकार ने जड़ी बूटी की संभावना को देखते हुए राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी के साथ साथ वन पंचायतों, ग्राम भूमि एवं कृषि भूमि में भी जड़ी बूटी कृषिकरण का कार्य भी सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जो भी इसमें प्राकृतिक जड़ी बूटी प्रजाति के, औषधीय प्रजातियों के जो भी पेड़ पौधे हर्ब सर्व जो भी हैं, उनके संरक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन 14 अगस्त सन 2001 में किया गया। इसे SMPB के नाम से भी जाना जाता है। SMPB का मुख्य उद्देश्य एक नोडल एजेंसी के रूप में राज्य में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के कार्यक्रमों में समन्वयन स्थापित कर उन्हें समुचित रूप से क्रियान्वित करना है। वर्तमान में औषधीय एवं सगंध पादपों के क्षेत्र में समग्र विकास करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के अधीन 2 सहयोगी इकाइयां कार्य कर रही हैं। औषधीय पादपों से संबंधित गतिविधियों के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर तथा सगंध पादपों के क्षेत्र में सगंध पादप केंद्र सेलाकुई कार्य कर रहा है। औषधीय पादपों के संरक्षण के लिए दोनों संस्थाओं द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण, बीज व पौध उपलब्धता एवं उचित परामर्श दिया जाता है। वहीं भेषज विकास इकाई द्वारा औषधीय पादपों के विपणन कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य औषधीय पादप बोर्ड के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जिसमें संकटग्रस्त औषधीय प्रजातियों की कृषिकरण से संबंधित परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। औषधीय उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से मंडी की स्थापना की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सगंध पादपों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड उत्तराखंड के वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का भी संचालन कर रहा है। राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य में औषधीय पादपों की विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार UNDP जैफ द्वारा वित्त पोषित परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना में वन विभाग के समन्वय से संकटग्रस्त जड़ी बूटियों प्रजातियों का प्राकृतिक वास में संरक्षण किया जा रहा है। संकटग्रस्त प्रजातियों में प्रमुख रूप से अतीस, कुटकी, सालम पंजा, जटामासी, थुनेर, मीठा विष, वीजासार आदि आती हैं। इस हेतु प्रदेश में पृथक पृथक भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 7 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों, जिन्हें
MPCA के नाम से भी जाना जाता है, स्थापित किए हैं। इनका क्षेत्रफल 200 से 300 हेक्टेयर के मध्य है। ये औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र के उत्तरकाशी जनपद में कंडारा, पिथौरागढ़ में खलिया, बागेश्वर में झूनी, टिहरी में गंगी, चमोली में मंडल, चंपावत में बस्तिया तथा अल्मोड़ा में मोहान में स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में जड़ी बूटियों को उनके प्राकृतिक वास में संरक्षित करने में सफलता मिली है। ये कोर जोन की तरह है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप शून्य रहता है। औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र जो है 232.80 हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसके अंदर आंवला, हरड़, बहड़ा, तेजपात भी है और सतावर, गिलोय और दुधी, अमलतास, कालाबासिंग, पीपली, बन हल्दी जिसे कपूर कचरी कहते हैं, ये भी यहाँ बहुत रूप से मिलती है। तो काफी प्रकार की प्रजातियाँ इसके अंदर हैं जो कि अभी संरक्षित हैं। इसी कोर जोन के बाहरी क्षेत्र में औषधीय पादप विकास क्षेत्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें MPDA भी कहा जाता है, जहां पर औषधीय पादपों का रोपण, वैज्ञानिक दोहन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका के लिए औषधीय एवं सगंध पौधों का कृषिकरण, नर्सरी व अन्य विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। किसानों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से ये पौधा लगेगा, और मैं यहाँ पे आया हूँ तो इनको सारी जानकारी दे रहा हूँ कि किस कितनी कितनी दूरी में ये पौधा लगेगा, कैसे लगेगा, कब कब इसकी हार्वेस्टिंग होगी।